लोग बाग मन कहा थे कि भाटापारा पहुंच गए है पंडित प्रदीप मिश्रा है और यहाँ कथा स्थल में उखर निवास है पाछूत मा वहाँ पहुँचैया छे आतला पूरा। तो अभी केरल में देखे जा रहा हूँ कैसे सूता साता थे आदमी मन है जब वहाँ टाइप में वहाँ पूरा बिछाड़ा रहे अभी ले अब भी पूरा यही घर द्वार बना देगा पंडाल का। दोस्तों अभी अपन चलते हैं सामने की ओर डोम के सबसे मेन कथा स्थल के पास क्योंकि तो दोस्तों देख सकते हो ये तरीका से अभी फिलहाल पंडाल बने हैं और सामने यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी बैठने वाले हैं। देखो तगड़ा से हमारे भजन हुआ था चलथन दोस्तों चलो और भजन कीर्तन का मजन लेथन एकदम बहुत। ये देखो सब श्रद्धालु मन यहाँ सुते हैं अच्छा आराम से देख सकते हो अपन अपन गद्दा बिस्तर तकिया और बोरिया बिस्तर के साथ पूरा बेग बस्तर धर के वहाँ पूरा खड़े हो नाचत गया या हर फूल हेलो दोस्तों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों अभी फिर हाल मैं आ चुके हूँ कुकड़ी गांव में और रात के करीब करीब 11 बजे थे और 11 बजे रात को अभी आने वाला है प्रदीप मिश्रा जी है कुकड़ी गांव में। तो दोस्तों ये चीज़ के मैं जानकारी आप मतलब देने वाला हूँ। तो अभी फिर हाल मैं पंडाल के पास ही में हूँ और यही पंडाल में होने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी के महापुराण। तो प्रदीप मिश्रा जी अभी फिलहाल भाटा पारा से निकल चुके हैं अभी शिव महापुराण वाले जो पंडाल बने वहाँ आए बार। तो कुकड़ी के ये मैं पंडाल के पास ही खड़े हूँ ये बगल में डोम बने हैं आप मन पीछे में देख सकते हो ये डोम बने हैं बहुत बड़े डोम बने एकरो मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाने वाला हूँ अभी से ही मैं पूरा आगे तक के व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो उही कारण से अभी फिलहाल मैं रातों रात में आ चुके हूँ सीधा कुकड़ी में। तो कुकड़ी के इस जगह में आए हूँ जिन जगह में होने वाले हैं प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण। तो चलिए दोस्तों चलथन अभी फिलहाल हमारे गेट के तीर में आने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी आगमन के प्रॉपर वीडियो दिखाने वाला हूँ और चैनल में आता वीडियो के एंड तक जरूर बने रहूँ दोस्तों और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लूँ ताकि नवा नवा वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच पाए। और चलो दोस्तों यहाँ के का व्यवस्था है कैसे कैसे सूते की व्यवस्था है खाए पिए के व्यवस्था है ये सब चीज़ मैं आप दिखाए कोशिश करूँ और हमन है एक रूम लेन छोड़कर रूम लेन ओला भी मैं दिखाए कोशिश करूँ ये वीडियो में नहीं तो दूसरा वीडियो में तीसरा वीडियो में जेड वीडियो में दिखाए के मौका मिली वो वीडियो में मैं रूम ला दिखाऊँ कौन जगह ले हैं कतके रुपये में ले हैं सब चीज़ दिखाऊं। अभी फिलहाल चलो अपन प्रदीप मिश्रा के आगमन देखते हैं और सबसे पहले डोम में चलते हैं डोम के राउंड मारते हैं एक बार और प्रदीप मिश्रा आ जाए तो प्रदीप मिश्रा पहले दिखाते हैं जिन पहले आगे तेना दिखाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अभी फिलहाल मैं कथा स्थल जाता हूँ मोर संग में है मोर मामा जी आर यू द एक्सप्लोरर देख लो प्रमोशन करा देखा था जबरदस्ती में ठोका थे एकदम भकाभक। चलो दोस्तों चलते अभी फिलहाल कथा स्थल की तैयारी कैसे हो है बोला दिखाते और रात के अभी के वजह से तिहुल दिखा देते हैं कत बज गए है भाचा 10:30 हो गया है अभी 10:30 हो गया है अभी प्रदीप मिश्रा आने वाला है तब तक हम चलते हैं डोम कोती। यहाँ लोग बाग मन कहा थे कि भाटापारा पहुंच गए है पंडित प्रदीप मिश्रा है और यहाँ कथा स्थल में उखर निवास है पाछूत मा वहाँ पहुँचैया छे आपला पूरा आगमन की वीडियो आगे दिखाबो वीडियो ला बिना स्किप करे आप वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलो दोस्तों चलते ना अब काबर देरी कर वो खले ज्यादा और चलते ना अभी फिर तो कथूंगा ये आजकल के अभी फैशन नवा मॉडल के अभी डायलॉग हरे। तो अभी फिर हाल मैं देखे जाता हूँ कैसे सूता साता थे आदमी मन है जब वहाँ टाइप में वहाँ पूरा बिछाड़ा रहे अभी ले अब भी पूरा यही घर द्वार बना देगा पंडाल का। चल तो देखते हैं कति बार का है तीसरी यहाँ लोग बाग मन सुतेगा यहाँ भजन कीर्तन अभी चालू हो गया आज रात कने यहाँ देख सब सुतैया मन सुते गए अभी पूरा अपन चलते अभी फिलहाल भजन की ओर थोड़ा भजन कीर्तन का मजन लेते हैं रात के रात बिकाल का समय और चलते हैं थोड़ा उस नींदा में नींद में या आ गए पूरा फुल भजन चला एकदम तगड़ा फुल इतना नींद में है फिर भी भजन चला एकदम तगड़ा से आ गए फुल मजा में आ गए चद्दर बिस्तर के साथ साथ डोम के नीचे में बात फुल डांस वांस चला थे। चलो आगे देखते ना डोम वोम के होती चलते आगे डोम की ओर चलते हैं और आप लोग को कथा स्थल के जस्ट सामने दिखाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि कथा जो सामने में चल रहा होगा लाइव वो चलेगा यहाँ पर डिस्प्ले में। दोस्तों अभी अपन चलते हैं सामने की ओर डोम के सबसे मेन कथा स्थल के पास क्योंकि कुछ दिन बाद मतलब कल से तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगा इसलिए अपन अभी फिलहाल चल रहे हैं आगे देखने। तो दोस्तों ये है कथा स्थल का डोम तो ये है कथा स्थल सामने फ्रंट का
कुछ इस तरीके से जो कथा स्थल के सामने बन रहे हैं। कथा स्थल को दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हो ये तरीका से अभी फिलहाल पंडाल बने हैं और सामने यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी बैठने वाले हैं। काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन किए, एसी वीसी कूलर वूलर लगा हुआ है एकदम बहुत तगड़े से, साउंड बॉक्स वगैरह बहुत अच्छे से लगा हुआ है, सूट वूट यहीं पे चलेगा और पूरा डिस्प्ले से द्वारा दिखाने वाले पब्लिक अभी फिलहाल देख सकते हो। चलो अभी थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं पंडाल को। ये देख सकते हो थोड़ा पास से और दिखाने की कोशिश में आया था मैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं और यहाँ पर पूरे पब्लिक आ चुके हैं अभी फिलहाल देख सकते हो। सोना बैठना सब चालू हो गए है, पूरा गद्दा वद्दा लगे है। ये VIP के लिए है, यजमान परिवार के लिए, यजमान परिवार जो मुख्य बैठेंगे यहाँ पर उनके लिए ये जगह है और ये जो है VIP के लिए है। तो गद्दा वद्दा पूरा प्रॉपर लगा है, ये डोम बना हुआ है। दोस्तों जिस आस्था चैनल पर लाइव चलता है वो बस यहाँ पर खड़ी हुई है और यही शायद कल से लाइव चलेगा यहाँ से। तो ये रहा डोम, अभी फिलहाल आगे चलते हैं भजन कीर्तन सुनते हैं और भजन कीर्तन आप लोग को भी दिखाते हैं किस तरीके से। और प्रदीप मिश्रा कुछ देर बाद यहाँ पर आने वाला है, 11:30 बजे तक टाइम दिए हैं, आ जाएगा तो ठीक है वरना इस तरीके से कथा स्थल है। ये डोम्स हैं, डोम है जो अपने आए थे कुछ दिन पहले यहाँ पर सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा इंटरव्यू लेने के लिए, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। यहाँ पर भी डिस्प्ले लगा है, उधर भी डिस्प्ले लगा है, मतलब डिस्प्ले तो बहुत सारे लगे हुए हैं देख सकते हो। ये प्रदीप मिश्रा आशुतोष शिव महापुराण कथा के पधारे। तो अभी इस रात में काफ़ी मज़े आने वाले हैं दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के जो महिलाएँ पुरुष आए हुए हैं जो कथा को एकदम दिल से सुनने के लिए आए हुए हैं, एकदम मन गदगद करके आए हुए हैं, उन लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मगन हो गए हैं कथा को सुनने के लिए। भजन में इतना ज़्यादा मगन हो गए कि पूछो ही मत, फुल डांस वांस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोग को एक बार यहाँ पर किस तरीके से भजन कीर्तन चल रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी के आगमन को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखो तगड़ा से हमारे भजन हुआ था, चलते हैं दोस्तों चलो और भजन कीर्तन का मजन लेते हैं एकदम बहुत एक बार फिर से। ये देखो सब श्रद्धालु मन यहाँ सूते हैं अच्छे आराम से, देख सकते हो अपन अपन गद्दा बिस्तर तकिया बोरिया बिस्तर के साथ पूरा देख बस्तर धर के वहाँ पूरा खड़े हो नाचत गया या हर फूल। फूल मगन हो गए मस्त है भाई। बहुत ही सुंदर, सुंदर भाई फुल डांस आनंद कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने फल का। और कल 2 जनवरी से दोपहर 1 बजे से यहाँ कथा स्टार्ट हो जाएगा तीसरे बजे का, तो आगे पूरा अंदर ढंग चल देगा एकदम जब वहाँ टाइम में ब्लॉगिंग चला। आज रात से महादेव एक गांव हो जाएगा नहीं भाई ब्लॉग बनाएंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ कहाँ ला छोटू कहाँ ला है गाँव बता तोर कहाँ बिलासपुर से है। तो फिर आज यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरा बहुत ही बढ़िया श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी फिर श्रद्धालु के रूप में यहाँ पर अंकल लोग आए हैं, यहाँ हर हर महादेव भैया एक जना मतलब हर ब्लॉगर मिले हर हर महादेव अंदर में घुसर के अच्छा ब्लॉगिंग करा थे एकदम दबा मदद भैया में तो हसी थी स्टार के बाहर सुनो तो। तो चलो दोस्तों चलते हैं अभी फिर आज अपन मना प्रदीप मिश्रा जी के आगमन में के थोड़ा बहुत क्लिप दिखाता ना आप मला। तो चलते हैं अभी फिर आज प्रदीप मिश्रा के आगमन के दिखाए पर।
अगर आप भी आएंगे और ऐसे पीछे के नज़ारे में रहोगे तो आपको भी इस डिस्प्ले से देखना पड़ेगा कथा। और यहाँ पर भी डिस्प्ले लगा हुआ है, उधर भी डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पर पूरे अच्छे से आप देख सकते हो। और अभी फिलहाल पूरी एकदम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सी खाली जगह है, पूरा आप आ सकते हो, देख सकते हो पूरा जगह खाली है। आज तो खाली रहेगा, कल से जगह प्रॉपर खाली नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और शायद लास्ट के साथ शौचालय वगैरह बनाए गए हैं जो कि आपको पहले ही दिखा चुके हैं, कुछ अच्छे से पंडाल लगाए हुए हैं बहुत ही सुंदर। चलते हैं अभी फिलहाल बाहर की ओर।